ये मॉडल का अपने पास लैपटॉप है, इसको इंस्टॉलेशन करेंगे, इसमें इंस्टॉलेशन करने में प्रॉब्लम आता है या बूट में जल्दी जाता नहीं है, इसके हिसाब से इंस्टॉलेशन करेंगे हम लोग। तो इंस्टॉलेशन करेंगे अभी। ये विंडोज 10 का पेन ड्राइव है, ये हमने अभी बनाया हुआ है, तो आपको अभी इसको इंस्टॉल करके दिखाते हैं, बूट करके दिखाते हैं। ज़्यादा ये बटन दिया रहता है, बटन जो क्या करते हैं करने के बाद में पूरा वो आता है, बायस सेटअप आता है। या फिर बायस में जाएंगे, देखेंगे कि लेगेसी में क्यों हो पाएंगे, आने वाले बूट में आएंगे ओपो फिर अभी ये लेगेसी यू एफ आई में लेगेसी बटन से क्लिक करेंगे या फिर लेगेसी में आएंगे। ओके अभी यहाँ पे F10 से सेव करेंगे, आप सेव हुआ, अभी फिर बायस में जाएगा। बायस में आएंगे, पेंडल दिखा रहा हमारा यहाँ पे है, हमारा पेंडल तो क्लिक करेंगे, ये अभी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे विंडो का सेटअप चालू हो गया है, यहाँ पे अभी हम इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, अभी चलेगा। तो यहाँ पे हम इसको इंडियन करेंगे, ये देखो अपना इंग्लिश इंडिया आ गया है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, हम इस पर भी इंग्लिश इंडिया कर देंगे और यहाँ पे भी इसके बाद अपन नेक्स्ट करेंगे। सेटअप स्टार्ट हो गया है, या फिर हम ये करेंगे इसमें से, आप जो चाहो वो कर सकते हो इसमें से। आप देखो हम लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किए हैं, 2020 है, फर्स्ट मंथ है और 9 तारीख है, ये लेटेस्ट वर्जन ISO डाउनलोड किया हुआ है इसमें। स्केप करेंगे हम और नेस्ट कर देंगे, नेस्ट करने के बाद में ये यहाँ पे हम आएंगे विंडो इंस्टॉलेशन करके आए हुए हैं। और ये जो रहता है ना, ये अपन लाइसेंस खरीदते हैं उसके लिए रहता है, लाइसेंस के लिए, ये अपना ये इसमें फाइनेंशियल दिया हुआ है। अब इसको आप पूरा फुल फॉरवर्ड मारेंगे, सुनिए इसमें एक और भी है, ये अपन डेट मारते हैं, जैसे डेट पार्टीशन डेट होता है, और आपको यहाँ पे फॉरवर्ड मारे सिर्फ पार्टीशन का फॉरवर्ड होता है, और डेट मारेंगे तो थोड़ा पार्टीशन डिलीट होता है, यहाँ पे आप थोड़ा डेट मारेंगे, थोड़ा डेट मारेंगे, ये देखो हमारा पूरा पार्टीशन डिलीट हो चुका है। अभी इसको हम न्यू करेंगे, ये पार्टीशन का पूरा MB में दिया हुआ है, अभी हम इसको 1-2 को हटाएंगे, यहाँ पे मैं 1 डाल देंगे, तो डायरेक्टली 120 का पार्टीशन बन जाएगा। इससे बहुत कन्फ्यूजन होता है MB में, somebody take me.
देखो मैं पार्टीशन हो चुका है, 125 का पार्टीशन दिखा रहा है, और ये अपना 100 GB का, ये अपना नॉर्मल 3 GB खाया था यार, ये पीछे के उसको अपन न्यू करेंगे। रखने को सेफ पार्टीशन रखने का ना उस पर रखना पड़ता है, अभी कैसा अभी ये पार्टीशन है, अभी इसको सी इसको बनाने का, इस पर रख के नेस्ट करना पड़ता है। तो अब नेस्ट करेंगे, ये विंडोज स्टार्ट हो रहा है, ये विंडोज रिबूट हो रहा है, अभी 100% होएगा, अभी इसमें SSD है ना, इसके हिसाब से फटाफट होएगा, ये हार्ड डिस्क से बहुत स्लो होता है ये। हमारा यहाँ पे 1% हो चुका है, अभी धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, इसलिए अपन वीडियो थोड़ा स्टॉप करते हैं। देखो हमारे 12% हो गया, धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर भी SSD बहुत फास्ट हो रहा है। ये देखो गाइस, ये अपना प्रोसेसर पूरा खत्म हो गया, अभी आगे का इसका सर्विसिंग चालू है, प्रोसेस चालू है। ये देखो गाइस, ये अपना सेटअप रेडी हो गया है, ये भी स्टार्ट हो रहा है। देखो ये फिर से रिपीट हो गया, अभी इसको हम टेंडर निकालेंगे, फिर रिस्टार्ट मारेंगे, टेंडर है इसके लिए, ये रिपीट हो गया, इसमें हमने टेंडर निकाला, अभी इसको कैंसिल करेंगे, अभी कैंसिल किए, उसी सेटअप करेंगे। ये तो कोई हमारा सेटअप स्टार्ट हो रहा है, अभी थोड़ा मूवमेंट में टाइम लगेगा, वीडियो पॉज करते हैं अपन। ये भी कंट्री पूछ रहे हैं, अभी कंट्री देंगे आपको इंडिया नेक्स्ट। अब यहाँ पे लैंग्वेज पूछ रहे हैं, इंग्लिश इंडिया नेक्स्ट। अभी कीबोर्ड सिस्टम पूछ रहा है, इसको आप उन स्किप करेंगे, स्कैप करेंगे, अभी यहाँ पे नेट कनेक्टेड के लिए मांगते हैं, अभी आप नेट कनेक्टेड नहीं करते, इसमें कनेक्ट नहीं करते। ये अभी लाइसेंस पूछ रहा है कि आपके पास लाइसेंस की नॉर्मल है, अभी अपना पास नॉर्मल है, ब्रैकेट तो स्कैप करेंगे आप। इसमें आप SSD के अलावा हार्ड डिस्क डालते हो तो ये प्रोसेस में बहुत टाइम लेता है थोड़ा, SSD रहता तो थोड़ा फास्ट होता है, इसके हिसाब से इसको SSD रहे तो स्पीड ज़्यादा मिलती है अपने को, इस हिसाब से ये i5 भी है, i5 थर्ड जनरेशन ही है। ये देखो यहाँ पे ये आपका नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे गली बॉयज टेक्निकल, यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, आपका भी नाम या किसी का नाम जो चाहे आपको डाल सकते हो नाम। यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पे हम यस करेंगे, ये सेक्रेटरी पूछ रहा है, अभी इसको हम नो करेंगे सर, क्योंकि ये लाइसेंस जो रहता है ना उसके लिए रहता है सर,
हमने अपने को इस सब चीज़ में पढ़ने का नहीं, बीच में इसको लोग सब करेंगे अपने उसके। यहाँ पे बता रहे कि कैसे आप यहाँ पे बंद मत कीजिए, यहाँ पे दिखा रहे तो ये वेट ले रहे हैं। ये देखो ये हमारा पैसे इंस्टॉल हो चुका है, अभी दिखाएंगे आपको इसमें वर्जन कौन सा है, विंडोज़ कौन सा वर्जन है। देखिए हमारा विंडोज़ का सेटअप है, पूरा पीसी का सिस्टम है, देखना आई फाई थर्ड जनरेशन है ये, 4GB रैम इसमें दिखा रहा है, 64 बिट दिखा रहा है, अपन 64 बिट डाले थे इसमें। अच्छा विंडोज़ नॉट एक्टिवेटेड है, विंडोज़ नॉट एक्टिवेटेड दिखा रहे हैं, अभी हम इसको एक्टिवेट करेंगे। ये विंडोज़ 10 प्रोफेशनल है, प्रो है ये। देखो ये इसमें अपन सॉफ्टवेयर डाले हुए रहते हैं, सब सॉफ्टवेयर का एरर है। अपन अभी नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा सॉफ्टवेयर बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो अभी सॉफ्टवेयर बनाएंगे अभी, ओके। अभी हम सेकंड पार्ट से उसमें लॉग इन नहीं किए, उस हिसाब से एक ही पार्सल दिखा रहे हैं 100 GB का ये वाला, ओके। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।